अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ओबेसिटी की अगर हम बात करते हैं, स्पेशली हिप्स, थाइज, बैक और बेली एरिया पे, स्पेशली फीमेल्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें, तो उसमें ये होता है कि काफ़ी सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें तीन पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए। एक तो सबसे पहले ये कि ये हो क्यों जाता है, रीज़न क्या है इसका। सेकेंड नंबर पे ये कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है इसको रिड्यूस करने के लिए। और थर्ड पॉइंट ये है जो सबका फेवरेट पॉइंट है कि कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है टू रिड्यूस द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फैट फ्रॉम योर बॉडी। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये जिक्र करूँगी कि ये हो क्यों जाता है, ठीक है। इसमें हार्मोन जो बॉडी की जो शेप होती है ना फीमेल्स की, उसमें ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। अगर तो उसका लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है तो फिर फैट एक्युमुलेशन होती है। फैट एक्युमुलेशन होती है तो आपको पता है कि फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद फिर फैट एक्युमुलेशन होती है, और ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है, राइट। और इसके अलावा फीमेल्स के और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स का वो इस्तेमाल कर रही होती हैं, बर्थ कंट्रोल इंजेक्टेबल्स पे होती हैं, या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा ले रही होती हैं। कोई भी इश्यूज हो सकते हैं उनको, कोई डोमेस्टिक स्ट्रेस है या मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस होते हैं, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स का इस्तेमाल वो कर रही होती हैं, तो इन सारी मेडिकेशन से भी आप जो है वो वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब तक आपका कोई डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे कोई भी मेडिसिन, तब तक आप उन अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। अपने फ्रेंड्स के कहने से, अपने सहेलियों के कहने से एंटी डिप्रेसेंट्स या कोई भी वज़न कम करने वाली कोई भी मेडिसिन का इस्तेमाल काइंडली आप ना किया करें। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर यू, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। माइक्रोवेव में भी अगर हम बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, या पानी की बॉटल्स जो प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं उसमें पानी का इस्तेमाल के फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देते हैं हम प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी फिल कर करके, ठीक है। तो ये सब काइंडली आप ना करें, आप शीशे का जग या शीशे की बॉटल्स का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को फ्रेश करने के लिए, उनकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको फ्रेश दिखाने के लिए उन पर वैक्स और डिफरेंट किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि उसमें भी हार्मोन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉडी में, और वो भी आपके मोटापे का बायस बन सकता है। अच्छा जी, ये तो हो गई हार्मोन्स की बात। इसके अलावा ये है कि या तो आप बहुत ही ज़्यादा कैलोरी डेंस, बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाले खाने खा रहे हैं, या फिर बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है जी, या फिर आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, सही है। ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होके आपका फैट एक्युमुलेट करती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज करती हैं। जैसे स्ट्रेस का मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने की वजह से फैट एक्युमुलेशन होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि साइकिल चलता रहता है। अच्छा, ईस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में मैं आपको एक बात ज़रा यहाँ पर बताती चलूँ कि जो फर्स्ट हाफ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें इसका लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ होता है। और बहुत सारे खाने कुछ ऐसे होते हैं जैसे सॉसेस हैं, मेयोनीज है, कैचअप है, या जो प्रोटीन बार्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इस तरह की चीज़ों को आप डाइट में लेना ख़त्म ही कर दें, क्योंकि इन सब चीज़ों के लेने से भी आपके एस्ट्रोजन के जो लेवल्स होते हैं वो बॉडी में हाई होते हैं, और फिर ये फैट एक्युमुलेशन का बायस होता है, तो इन सारी चीज़ों को ना लें। अच्छा, मैं जिक्र कर रही थी आपसे कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके फर्स्ट हाफ में इसके लेवल बहुत ज़्यादा हुए हुए होते हैं, और सेकंड हाफ में ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है इसका लेवल। अच्छा जी, उसमें ये है कि इसका एक फंक्शन ये भी है कि इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस होती है बॉडी की, मसल्स की जो परफॉर्मेंस होती है, ब्रेन की परफॉर्मेंस, वो ज़रा थोड़ी ज़्यादा बेटर हुई भी होती है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स, ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, हिट ट्रेनिंग आप इसमें कर सकते हैं। सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लॉन्ग वॉक्स कर लें और योगा टाइप की एक्सरसाइजेस कर लें, ठीक है, क्योंकि पीरियड्स में भी आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपका ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है और आप कंफर्टेबल हैं तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं,
लें, योगा कर लें, लॉन्ग वॉक्स कर लें, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जनाब सेकंड पॉइंट कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो उसमें भी दो पॉइंट्स आ जाते हैं, डाइट आ जाती है जो कि 80% उसका रोल है और 20% एक्सरसाइज का रोल है। अच्छा जी, डाइट में भी दो पॉइंट्स हैं, हेल्दी वे है और एक अनहेल्दी वे है, ठीक है। अनहेल्दी वे में तो यही है कि आप क्रैश प्रोग्राम्स आप फॉलो करेंगे, उससे आपको जो है डिफरेंट किस्म की आपको डिजीजेज हो जाएंगी, स्पेशली डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, या फिर आपको मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं, या वेट रीगेन हो जाता है, उससे फिर स्ट्रेस होता है, फिर वही साइकिल चलता है कि वजन जो होता है उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है और वजन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अनहेल्दी वे डाइट को फॉलो करने से सबसे मेन चीज़ पता है आपको क्या होती है, जो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा ख़वातीन में स्पेशली, कि वो क्या करती हैं, एम्प्टी स्टमक एप्पल साइडर विनेगर और लेमन का इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं वाटर में ऐड कर करके। तो उसकी वजह से आफ्टर सम टाइम आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये काइंडली ना कीजिएगा, सही है, आप हेल्दी वे में कीजिए। आप शुगर छोड़ दीजिए ना, ठीक है, आप जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम कर दें, बल्कि ख़त्म कर दें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का तो इस्तेमाल करना ही चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए कम क्वांटिटी में, मॉडरेट क्वांटिटी में आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें और गुड फैट्स का इस्तेमाल करें। जितने मैं आपके साथ साथ मील्स शेयर कर रही होती हूँ अपने वीडियोस में, आप लोगों को सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ डाइट के हवाले से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। अच्छा, जब मैं बेली फैट का मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट वीडियोज़ में कि 20% जो है वो रोल होता है एक्सरसाइज का, लेकिन 20% रोल पे आप लोगों ने मुझे ये मैसेजेस किए कि हम तो फिर एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते, इसको तो हम फिर डाइट ही फॉलो कर लेते हैं। तो देखें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप खाना बनाते हैं, ठीक है, अपना कोई सालन प्रिपेयर करते हैं, जब तक आप उसके अंदर सॉल्ट ऐड नहीं करते तो उसके अंदर टेस्ट नहीं आता, वो बिल्कुल टेस्टलेस होता है, ठीक है। तो वही इंपॉर्टेंस, हालांकि वो देखें 80% अगर आप ये देखें कि वो सालन 80% है तो 20% उसके अंदर सॉल्ट है। तो एक्सरसाइज की भी यही इंपॉर्टेंस है कि जब तक आप जो है वो एक्सरसाइज अपनी डाइट के साथ ऐड नहीं करेंगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ पता है क्या होती है एक्सरसाइज की, उसमें ये होता है कि आपके जो है होते हैं मसल्स प्रिजर्व होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होना शुरू होती है आपके मसल्स वेस्ट होते हैं, तो मसल्स हम प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आपके जो है वो मसल्स आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज के मल्टीपल फ़ायदे हैं कि वो आपको डायबिटीज़ से बचाती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके मेंटेन रहता है, शुगर लेवल मेंटेन रहता है, आपको फैटी लिवर जैसी बीमारियों से बचाती है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाती है, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़। तो आप एक्सरसाइज ज़रूर अपनी डाइट के साथ साथ अपने रूटीन में शामिल करें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है सबका फेवरेट क्वेश्चन कि कितना टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है इन सब चीज़ों में। तो जी, टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड होता है 6 to 12 weeks। देखें, आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर ना करें, हर किसी को डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को जल्दी रिजल्ट्स मिल जाते हैं, किसी को देर से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ आप इस चीज़ को जो है वो फॉलो करते रहें, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जब आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, रीजंस भी बता दिए कि किन किन चीज़ों से आपने बचना है, क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है इसको रिड्यूस करने के लिए, वो भी बता दिया, टाइम ड्यूरेशन भी बता दिया, तो ऑल द बेस्ट। और परेशान ना हो, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस लेंगे तो भी वज़न ज़्यादा होगा, ठीक है, नींद पूरी नहीं करेंगे तो भी वज़न ज़्यादा होगा। हेल्दी डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज करें, आपकी बॉडी शेप में आना शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।